एक्टर प्रोड्यूसर आमिर खान की अपकमिंग फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार अगले महीने दिवाली पर रिलीज हो रही है। ये फिल्म आमिर खान और उनकी वाइफ किरण राव ने प्रोड्यूस की है। इस फिल्म में आमिर कैमियो भी कर रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अद्वैत चंदन ने। बता दें कि आमिर खान प्रोडक्शंस जी स्टूडियो जो और आकाश चावला के बैनर तले ये फिल्म बनी है। फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है आमिर। सीक्रेट सुपरस्टार को लेकर आमिर काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि ये जिस दिन इंडिया में रिलीज होगी उसके दूसरे दिन ही तुर्की में भी रिलीज होगी। इसी सिलसिले में हाल ही में आमिर फिल्म के प्रमोशन के लिए तुर्की भी गए थे। तुर्की के अलावा ये फिल्म यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूएजीसीसी और पाकिस्तान में भी रिलीज होगी। इस फिल्म में जायरा वसीम अहम रोल में है जो इस फिल्म में एक टीनेज लड़की का रोल प्ले कर रही है। इस फिल्म में ये एक सिंगर बनने का सपना बुनती हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करती हैं। गौरतलब है कि जायरा वसीम इससे पहले आमिर की फिल्म दंगल में नजर आ चुकी हैं। मैं परफेक्शनिस्ट सिर्फ अपने उम्दा अभिनय के लिए ही नहीं जाने जाते हैं बल्कि अपने प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। इसी साल इनके बैनर तले बनी फिल्म दंगल सुपरहिट रही थी। इंडिया ही नहीं इस फिल्म को चीन में भी सराहा गया। चीन के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था जो अपने आप में एक बड़ी सफलता है। 1999 में आमिर ने आमिर खान प्रोडक्शंस की नींव रखी थी और साल 2001 में पहली फिल्म लगान प्रोड्यूस की थी जो सुपरहिट थी। अब तक आमिर 9 फिल्में बना चुके हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले आमिर ने लगान के अलावा तारे जमीन पर जाने तू या जाने ना पे पी लाइव दे लही बेली तलाश दो भी घाट और दंगल बना चुके हैं और अब सीक्रेट सुपरस्टार आएगी। आमिर की हर फिल्म एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। आमिर हमेशा ऐसी स्टोरी लेकर आते हैं जिससे ऑडियंस कनेक्ट हो पाए।